इसके बाद हल करेंगे तीसरा प्रश्न। यदि टैन 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करें। तो यहां देखिए हमें a का मान ज्ञात करना है, तो जो दिया गया है यहां पे हम लोग लिखेंगे, उसके बाद हल करेंगे। तो यहां देखिए, यहां दिया गया है टैन 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 अंश। तो हम क्या करेंगे, इस टैन को हम कॉट में बदल देंगे, ठीक है, ताकि कॉट और कॉट कैंसिल आउट हो सके और ए का मान आसानी से प्राप्त हो जाए। पे टैन 2a को कैसे लिखा जा सकता है, इसका फॉर्मूला होता है कॉट 90 माइनस थीटा, थीटा का स्थान पे कितना है 2 है, और इक्वल टू ये अभी जो कहते हैं होगा कॉट a माइनस 18 डिग्री। यहाँ देखिए, यहाँ कॉट और कॉट क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 90 माइनस 2a, और यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा a माइनस 18 अंश। हम a को इस तरफ ला देते हैं, ये प्लस में है तो इस तरफ आ जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है, और 90 को उस तरफ भेज देते हैं, तो a इस तरफ आया, यहाँ 2a, तो ये प्लस में है तो इस तरफ माइनस में आ गया, और यहाँ देखिए यहाँ बचा माइनस का 18, ये 90 प्लस में है उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये हो गए 90, ठीक है। इसके बाद माइनस और माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का, तो माइनस का 3a, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका जोड़ने पर आ जाए 108, ठीक है। तो यहाँ माइनस और माइनस को कैंसिल आउट करा देते हैं, यहाँ 3a बचा, ये हम निकालेंगे, ये गुणा में है तो उस तरफ जाएगा तो बटे में आ जाएगा, a इक्वल टू 108 बटे 3। आइए इसको कैंसिल आउट करा देते हैं, यहाँ देखिए, तो आइए इसको कैंसिल आउट करा देते हैं, यहाँ तितिरी का 9, एक ज़्यादा है तो 18 हो गया, 3 × 18, तो a का मान निकल के आ गया 36, ठीक है, यही हमें निकालना था, a का मान ही निकालना था। इस प्रकार ये प्रश्न क्रमांक तीसरा आसानी से हल हो जाता है। इसके बाद चौथा प्रश्न, यदि टैन ए इक्वल टू कॉट वी, तो सिद्ध कीजिए कि ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमें क्या दिखाना है, हमें ए प्लस बी को 90 अंश के बराबर दिखाना है। तो सबसे पहले जो मान दिए गए हैं हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। तो इसको कैसे हल करना है, तो इस टैन को हम कॉट में बदल देते हैं, ताकि ये कॉट और कॉट कैंसिल आउट हो सके और यहाँ पे a और b का मान 90 अंश आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो आइए इस tan a को cot a में बदल देते हैं। इस tan a को लिखा जा सकता है cot 90 माइनस a, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा के इसका फॉर्मूला होता है tan थीटा, और थीटा का स्थान पे a है, और ये जो कहते हैं cot b, ठीक है। तो ये यहाँ देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉट और कॉट कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ बचा 90 माइनस ए, और यहाँ पे बचा बी, तो हम इस ए को उस तरफ भेज देते हैं, 90, यहाँ बी है प्लस में, ए माइनस में है उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब थोड़ा व्यवस्थित कर देते हैं, ठीक है, यानी 90 इक्वल टू ए को पहले लिखेंगे और बी को बाद में, तो ये प्रूफ हो गया, हमें यही तो प्रमाणित करना था, a प्लस बी इक्वल टू 90, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रूफ हो जाता है। तो यहाँ पे पांचवा जो प्रश्न है, यदि सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 अंश, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो मान दिए गए हैं हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, sec 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 अंश। तो हम क्या करेंगे, इस सेक को हम बदलेंगे कोसेक में, ताकि ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो सके, ठीक है, ताकि हम आसानी से ए का मान प्राप्त कर लें। तो सेक 4a को कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है कोसेक 90 माइनस 4a, कोसेक 90 माइनस 4a होता है सेक 4a, और थीटा का स्थान पे 4a है तो यहाँ पे 4a हो गया, इक्वल टू ये ज्यों कहते हो कोसेक a माइनस 20 अंश, ठीक है।
यहाँ देखिए कोसेक और कोसेक क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 90 माइनस 4a और यहाँ बचा a माइनस 20। ये जो a है हम इस तरफ ला देते हैं और ये 90 को इस तरफ, यानी संख्याओं को एक तरफ और ये अक्षरों को एक तरफ। तो यहाँ देखिए, यहाँ माइनस का 4a, ये इस तरफ 90 उस तरफ जाएगा तो माइनस का 90 हो जाएगा। माइनस और माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का, तो माइनस 4a और a कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 5a। यहाँ पर भी देखिए और यहाँ पर भी देखिए, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस के। 90 और 20 होता है 110। माइनस और माइनस कैंसिल आउट और यहाँ से हम a का मान निकालेंगे, 5 जो है ये गुणा में उस तरफ जाएगा तो बटे में 110 बटे ये हो जाएगा 5। तो कैंसिल आउट कराया जाए, 5 × 2 = 10, एक ज़्यादा है तो ये 10 हो गया, फिर 5 × 2 = 10, तो a का मान कितना निकल के आ गया, तो a का मान निकल के आ गया 22। ठीक है, तो ये हमें प्रश्न क्रमांक 6 इस प्रकार है, ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटे 2 इक्वल टू कोस ए बटे 2। तो आइए इसको हल करते हैं। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो ऐसे लिखना होगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना, 180। इसके बाद अगला स्टेप है दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, तो हम 2 से भाग लगा देते हैं सबके बटे में, और यहाँ तो ये तो अभी ज्यों के त्यों चलेगा, a बटे 2 ठीक है प्लस b बटे 2 प्लस c बटे 2 और यहाँ पे हो गया ये 90। इसके बाद देखिए हम a बटे 2 को उस तरफ भेज देते हैं क्योंकि हमें ये साबित ही करना है, ठीक है। तो ये b और c एक साथ रहेंगे, b बटे 2 प्लस सी बटे 2 और ये 90, ये प्लस का उस तरफ जाएगा तो माइनस का ए बटे 2। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 2 आ गया एक बार में, ठीक है इतना आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे है 90 माइनस ए बटे 2, तो हम क्या करेंगे अगला स्टेप दोनों पक्षों में साइन लेने पर, तो आपको लिखना होगा दोनों पक्षों में साइन लेने पर, तो इस साइड हम साइन लेंगे और इस साइड भी साइन लेंगे, तो हो जाएगा ये आपका साइन बी प्लस सी बटे 2 और ये हो जाएगा साइन 90 माइनस ए बटे 2। इसके बाद अगला स्टेप साइन बी प्लस सी बटे 2, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा के स्थान पर ए बटे 2, ये होता है कॉस थीटा, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। 7वां प्रश्न हल करेंगे, साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए, तो दिया गया कौन सा है, साइन 67 प्लस कॉस 75। तो यहाँ देखिए इन दोनों का योग जो है वो 90 नहीं आ रहा, इसका मतलब इसे हम डायरेक्ट 90 माइनस थीटा के तौर पर नहीं लिख सकते, तो हमें अलग अलग दोनों को लिखना होगा, यानी 90 में से कितना घटा दें कि 67 प्राप्त हो जाए और 90 में से कितना घटा दें कि 75 प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो आइए दोनों को तोड़ते हैं 90 माइनस थीटा के रूप में। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखेंगे, साइन 90 माइनस कितना 23, अगर 90 में से 23 घटा देते हैं तो ये प्राप्त हो जाता है 67। इसको भी लिखेंगे कॉस 90 माइनस कितना घटा दें, ये घटाना होगा 15, ये 75 प्राप्त हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, ये होता है कॉस थीटा, थीटा का स्थान पे है 23 और यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा और थीटा का स्थान पे है 15, तो ये दोनों ही 0 और 45 के त्रिकोणमितीय अनुपात में बदले जा चुके हैं।